नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हरा कुमकुम के बारे में। हरा कुमकुम क्या है, इसको कैसे बनाते हैं और इसको कैसे यूज करना है और इसको धारण करने से क्या फल मिलता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इस हरा कुमकुम को कुबेर कुमकुम भी बोला जाता है। कुमकुम में रेड मेरून सिंदूर की कुमकुम हर किसी को पता है, पर हरा कुमकुम बहुत कम लोगों ने जानते हैं। पहले इस हरा कुमकुम कुबेर मंदिर में ही मिलता था और इसके अलावा तमिलनाडु में चयमिन नाम से माता जी के मंदिर हैं, उसमें भी प्रसाद रूप में दिया जाता है। साउथ में आप किसी भी मंदिर में जाइए, प्रसाद रूप में आपको सिंदूर या रोली दिया जाता है। उस टेंपल में विशिष्ट जो सिंदूर यूज करते हैं तो वो सिंदूर आपको प्रसाद रूप में मिलते हैं। वैसे ही आपको मंदिर में जाएंगे तो आपको प्रसाद के रूप में तो ये कुमकुम आपको मिलते हैं। सालों का पहले तो हरा कुमकुम क्या है बहुत लोगों तो बिल्कुल नहीं जानते थे। इसको मेन कर्नाटका तमिलनाडु में ही ज्यादा यूज किया जाता है। तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा इसको मानते हैं, तमिलनाडु में हरा चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे ही हरा कुमकुम को भी बहुत नियम से पूजा करके इसको धारण करते हैं। कहा जाता है कि कुबेर भगवान नहीं है, देवी लक्ष्मी ने कुबेर को धन का प्रधान बनाया। इसका मतलब धन ज्यादा किसका पास रहता है तो उनका कुबेर के समान पुकारा जाता है। कुबेर को हरा कुमकुम क्यों अधिक पसंद है, इसकी एक कहानी है। पौराणिक काल में कुबेर शिवजी को बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन शिव पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश गए थे। जब गए तो शिव पार्वती अकेले थे। शिव पार्वती को ऐसा देखकर कुबेर मन में पार्वती जी के बारे में सोचा कि वह कितनी सुंदर हैं, खास मुझे भी इनकी जैसी पत्नी मिलती, ऐसा सोचने लगा। भगवान शिव को इसका महसूस करते हैं और माता जैसी स्त्री को ऐसा सोचेगा भगवान शिव क्रोधित में श्राप देते हैं। श्राप से उनका पूरा शरीर दब्बे हो गया है तो कुबेर में देखने का आकर्षक हो जाता है। तब कुबेर ने भगवान शिव से क्षमा करने की प्रार्थना की। तब शिव पार्वती ने आनंद नृत्य करते हैं। तब इसकी चरणों की धूल धरती पर गिरता है। वह धरती पर गिरा धूल हरा कुमकुम के जैसे हो जाता है। भगवान शिव पार्वती चरणों से गिरा धूल से बनी हरा कुमकुम को कुबेर अपनी गलत को माफी समझकर यह कुबेर कुमकुम को पूरा शरीर को लगाता है। तब कुबेर शरीर पर दब्बे सब मिट जाता है तो कुबेर हमेशा की तरह बदल जाता है। तब से लेकर कुबेर को हरा कुमकुम अत्यंत पसंद वाला चीज हो जाता है। तो अब जाने हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। इस कुबेर कुमकुम को खुद भी घर पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए श्रावण का महीना सबसे उत्तम है। इस कुबेर कुमकुम को बनाने के लिए बेल पत्ते तुलसी पत्ते को लेना है और ये दोनों पत्तों को अच्छे से धो लेना है और साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। अच्छे से इसको पीसना है सिलबट्टा में। शुद्ध गाय की दूध लेना है, गाय की दूध थोड़ा थोड़ा मिलाकर चिकना लेपन करना है। इस मिश्रण को एक कपड़े में डालकर इसका रस निकाल देना है। कपड़े के ऊपर जो मिश्रण बच जाता है उसको एक थाली में पसार के छाव में अच्छे से सूखने देना है। अच्छे से सूखने के बाद इसे मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लेना है। उसके बाद भीमसेना कपूर की शुद्ध गाय के घी भी डालकर अच्छे से मिलाकर एक डब्बे में भर के रखेंगे। ये बहुत अच्छा वाला कुमकुम बनता है, जैसे मार्केट में मिलता है कि क्या पता नहीं है कि किस तरह से बनाते हैं, पर अपने हाथों से घर पे बनाएंगे तो ये ओरिजिनल 100% प्योर कुमकुम होता है। इस कुमकुम को बनाने के बाद अपने माता लक्ष्मी के पास रखकर पूजा कीजिए, उसके बाद इसको धारण कीजिए तो माँ लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर मिल जाता है। अगर ना मिले कोई नहीं, माँ लक्ष्मी की फोटो के पास आपने इस कुमकुम से थोड़ा थोड़ा चुटकी बार माता के पास डालते हुए लक्ष्मी माता का जो नाम पढ़ते हुए अष्टोत्तर का नाम होता है वो एक एक पढ़ते हुए एक एक नाम को चुटकी बार कुमकुम को माता जी का प्रणाम पर थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपने पूजा कीजिए। वो पूजा में यूज किया कुमकुम को आप धारण कीजिए, अपने बच्चों को लगाइए, बहुत अच्छा फल मिलता है। यह कुमकुम को किसी ने भी धारण कर सकते हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग कहा भी जाता है कि कुबेर की दिया भी मिलता है अगर उससे
मैं लक्ष्मी माता का पास रखकर दिया जलाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है कि आपको शक्ति रहे कि आप कर भी सकते ना भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कुमकुम को धारण करने से धन की प्राप्ति होगी और धन की कोई कमी नहीं होगी। दक्षिण भारत में माना जाता है कि यदि यह 41 दिन पूजा में यूज किए कुमकुम को धारण करने से जो मन में आप चाहते तो वो जरूर होगा, वो अगर की जो इच्छा सही है तो जरूर पूरा होगा। तो ये दक्षिण भारत में माना जाता है, इस तरह से इसका उपयोग है। और धारण करने से अब बहुत अच्छा भी होता है और इसका यूज भी है, इसको बनाने का तरीका भी है। तो अगर इस वीडियो का रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट कीजिए, जरूर बताने के लिए कोशिश करूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्त परिवार को इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि हमारा चैनल को पहले बार देखते हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।